स्वागत है दोस्तों रशिया में। एक्चुअली मैं रशिया में नहीं आए हैं, हम फिर से दुबई में आए हैं और दुबई में एक्सपो पर आए हैं, क्योंकि हमें इतना पसंद आया था एक्सपो कि हम दोबारा यहाँ आ गए। और भी रीजन से आने के पीछे, वो हम आगे वाले ब्लॉग्स में बताएंगे, लेकिन आज के दिन के लिए जितने पॉपुलर एक्सपो के पवेलियंस हमने नहीं घूमे थे उन्हें घूमते हैं। मेरी आंखें ही नहीं खुल रही हैं, इतनी ब्राइटनेस है यहाँ पर। गर्मी भी बहुत ज्यादा है। Feels like 35 degrees. I think it's not that much, but it's reflecting like crazy. It's all concrete here, that's why. और इस टाइम हम मोबिलिटी सेक्टर से शुरुआत करेंगे, वो वाला एरिया जो हमने ज्यादा घूमा नहीं था पिछली बार जब हम आए थे। आज की शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ एक स्लाइड शो है जो ऊपर है। Not the Berlin Wall, it's just in general, in real life. Okay. पवेलियन अच्छा था, लेकिन बहुत ज्यादा इन्होंने वीडियोस पर रिलाय कर रखा था। जब देखो एक रूम के बाद दूसरे रूम के बाद वीडियोस दिखाए जा रहे थे, तो कुछ ऐसा यूनिक नहीं था। यह है रशिया का पवेलियन। बाहर से दिखने में तो बहुत ही यूनिक लग रहा है, बड़ा ही कमाल का डिजाइन है बाहर का। अंदर चल के देखते हैं कैसा है। और इसके साइड में है ये तुर्कमेनिस्तान, इसका भी डिजाइन बहुत अच्छा है बाहर से। रशिया में इतनी सारी चीजें इन्वेंट करी गई थी। टीवी वहां पर है, पोस्टल कोड्स, इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग, पीरियोडिक टेबल, सोलर सेल, फर्स्ट सैटेलाइट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी तक की सबसे कमाल की विजुअल आर्ट है। मतलब मॉस्को एक्चुअली में कैंडिडेट सिटी है एक्सपो 2030 के लिए। अब तो मुश्किल लगता है कि हो पाएगा। सच अ मैसिव मैसिव बुक। आई आल्सो वांट टू टर्न अ पेज और डू नॉट टच इट सेस इट्स ऑल See the world through the eyes of a shark. Yani ek shark ko kya dikhta hoga? Let's see. It can hardly spot you. So confusing. I don't even see who you, where you are passing by. Oh, there you are. It's so confusing. Ek dragonfly to andha hi. Hey, hey. Feelings. The dragonfly sees in like 10p. We see in 1080p HD, they see in 10p. I think a lot of viewers will find it relatable because when they want to watch a vlog and then the internet is slow. ये जितने भी ऐसे जानवर हैं जिनकी आंखें दो साइड पर हैं, तो एक इधर का एक आंख से इतना दिखता है, दूसरी आंख से इतना दिखता है, इतना कंफ्यूजिंग होता होगा इनके लिए। Yeah, yeah, that's yeah. Exactly. कहा जाता है कि हर इंसान दुनिया में 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन से सेपरेटेड है। तो यहाँ पर इन्होंने फेमस लोगों की फोटोज़ लगाई हैं जो आपको लगता है अनरिलेटेड है, लेकिन ये कनेक्शन जोड़कर दिखा देंगे कि वो कितने एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल चे गुएवारा और इनके बीच में क्या कनेक्शन है।
सिर्फ 3 degrees का सेपरेशन है। रशिया का पवेलियन एक्चुअली में विजुअली वन ऑफ द बेस्ट पवेलियंस है, जो इन्होंने विजुअल इफेक्ट्स अंदर लगा रखे हैं तो कमाल के ही हैं। उसके अलावा रशिया से रिलेटेड ज़्यादा नहीं लगा है पवेलियन की, इसमें रशिया के बारे में कुछ बता रखा हो लेकिन बहुत से ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। But also a lot of inventions of Russia and researchers. Yeah, that was just one photo, right? I mean the book you didn't even read. Oh, the book. Oh, the book. And there was nothing, by the way, about Putin. I did not see a single thing about true, him. No, that's true. Unlike some other countries, unlike some other countries that advertise the leader, I would have expected Russia to be among them. Yeah. But surprisingly, not. Huh? He was too busy planning other things. He didn't know there was an expo. डेनमार्क दुनिया की पहली कंट्री थी जिसने एक ऑर्गेनिक लेवल इंट्रोड्यूस किया, और आज के दिन सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक खाना भी डेनमार्क में याद कंज्यूम होता है। डेनमार्क का पवेलियन बहुत सारे फैक्ट से भरा हुआ है, ये फैक्चुअल पवेलियंस बहुत पसंद आते हैं मुझे। डेनमार्क इज ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश अ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, and it's also the world's oldest continuous monarchy. And the first ones with the organic thing, that's crazy. And sanitizer with oil. सारे ही अरेबिक कंट्रीज के पवेलियंस विजुअली बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर एस्थेटिक हैं सारे पवेलियंस। सीरिया का इंटरेस्टिंग होगा देखना। 1.8 मिलियन ईयर्स BC, दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड इनहैबिटिंग सीरिया। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ जितने भी शब्द लिखे हैं ये अरेबिक लैंग्वेज में बाकी लैंग्वेजेस के साथ कॉमन है, तो बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे हिंदी में मिलेंगे और अलग अलग भाषा में मिलेंगे। कुछ मलयालम के भी वर्ड्स हैं जो कॉमन है अरेबिक के साथ, जैसे समाचार यहाँ पे हिंदी है, जिंदगी, शुक्रिया, सही, महल, आउगा, ट्रू। जर्मन में इसका मतलब आप क्या होता है। Good pavilion, I think. Yeah, it's not just relying on video at all. Yeah. And it shows a lot of artwork. It's really nice. Very unique, actually. And also it links. One of the most unique pavilions. It also links their culture and their heritage with the rest of the world through language and stuff and the alphabet, and I liked it. Which district are we in? I think opportunity. I don't even know the name of that country. Djibouti. Djibouti, yeah. स्लोवाकिया में चलते हैं क्योंकि हमने सुना है स्लोवाकिया में बहुत सी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं यहाँ पर। वन ऑफ द बेस्ट पवेलियंस बताया जाता है इसे भी। That's what we heard. Yeah. It's one of the elite of the new era of aeroplanes. Oh. By the way, guys, guess who booked the Japan pavilion this time? You? No, we. No, you. Like for once, we booked something ahead of time. That's true. You can congratulate us, maybe. ये है एक हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी जिसके एग्जॉस्ट में सिर्फ पानी निकलता है वहाँ से। इतनी फ्यूचरिस्टिक गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ये तो बैटमैन की गाड़ी की तरह लग रही है। ट्रैवल करने के लिए भी स्लोवाकिया बड़ी ज़बरदस्त कंट्री लगती है। मुझे पता नहीं था कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं स्लोवाकिया के अंदर।
ये जर्मन पवेलियन तो आज पूरा ही भरा पड़ा है। अच्छा राम ने पहले विजिट कर लिया था इसे, लेकिन इतनी लंबी लाइन। इस पॉइंट से लाइन शुरू हो रही है और वहाँ से चल चल के दूर दूर तक जाके एक पूरा गोल चक्कर लगा रही है और वहाँ तक लाइन है। अगर हम पहले आते और इतनी भीड़ होती, चाहे कितना भी अच्छा पवेलियन हो, इतनी देर लाइन में नहीं खड़े रहते। और इंडियन पवेलियन पे भी बहुत भीड़ लगी हुई है। सबसे मुश्किल पवेलियन जिसमें एंट्री मिलनी बहुत ही मुश्किल होती है, जापान का पवेलियन, क्योंकि पूरा टूर ग्रुप है ये और एक घंटे का टूर होता है। सुबह के 9 बजे बुक कराना पड़ता है और 9:05 तक सारी बुकिंग ख़त्म हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मिनिएचर चीज़ें बना रखी हैं और हर एक चीज़ के अंदर दो चीज़ों का मिक्सचर है, जैसे ये शहर और टूथब्रश, यहाँ पे कीबोर्ड और एक स्काईस्क्रेपर्स शहर। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2025 का जो एक्सपो होगा वो जापान में होगा, तो इन्होंने ऑलरेडी प्लान रेडी कर दिया उसका, कैसा होगा, कैसा दिखेगा। ओह या ट्रू, तो ऐसा दिखने वाला है अगला एक्सपो 2025 ओसाका में। और फाइनली आते हैं हम यूक्रेन के पवेलियन में। यूक्रेन का पूरा पवेलियन इन कटआउट से भरा हुआ है, जो लोगों ने नोट्स लगा के चिपकाए हैं यूक्रेन के लोगों के सपोर्ट में। It doesn't end. पूरा का पूरा ही पवेलियन इससे भर चुका है, एक एक इंच खाली दीवार की लोगों ने ये नोट्स लगा रखे हैं सपोर्ट में। यहाँ पे दुनिया की सबसे पहली स्मार्ट सोलर ब्लाइंड्स हैं, इन ब्लाइंड्स में ही सोलर पैनल लगा रखा है। मुझे लगता है इस पवेलियन में वॉर शुरू होने से पहले काफ़ी कुछ चीज़ें होती होंगी, लेकिन अब बंद कर दिया गया है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन से खाली पड़े हैं। ये ऑलरेडी टॉप फ्लोर है इस पवेलियन का और यहाँ पर सिर्फ आर्ट चारों तरफ आपको दिखेगी।